मम प्रिया हदे स्वासिना हं मन की बात इति मनोगतस्यारंभे अद्य अहम् भवद्भि सर्वै साकं प्रसन्नता प्रदम वृत्तमेकं सम विभाजयि तुम वान्चामि प्रत्येकम् अपि भारत यह एतद्न्यात्वा गर्वम् अनुभविष्टि यद्देव्या हं अन्नपुरुना यहा अतितराम् प्रतिमा कनारा देशात भारतम् प्रत्यानीयते एशा प्रतिमा प्रायेन शतम् वर्षेभ्य व्यप्राक ऊन विन्श शताब्दे कदाचित् वारा अनस्याहि एकस्मात् मंदिराद् चोरयित्वा देशाद् बहि हि प्रेषितासितः अहम् कनाडा सर्वकारस्यत तथा च पुन्यकार्यमिदम् संभावयितुम् कृतप्त्यत्नाम् सर्वे शाम्कर्ते असेच्चा सहरिदयतायि कार्तग्यम् प्रकटयामि मातुहु अन्नपुरुना याहा विश्वनाथ नगरिया काश्यासाकम अति विशिष्टा संबंधा अस्ति। अधुना तस्याहा प्रतिमा याहा प्रत्यागमनम ही अस्माकम सर्वे शाम्क्रिते सुतराम सुखदम वृत्तम् मातुहु अन्नपुरुना याहा प्रतिमामिव अस्मद्य रिक्तस्य अनेके अमूल्याहा दायाहा आंताराष्ट्रियतस्त करगणे ही चो अंतरराष्ट्रीय विपण्याम चोरिताम दायान बहु उच्च मूल्य ही विक्रणंती सांप्रतम एतान विरुद्ध कठोरतया व्यवहारियते मुशिता नाम वस्तु नाम प्रत्यानयनार्थम अपि वर्धितवत् एतादृशा नाम कारणात् विगतेषु कारणात विगते शुकेशुचित वर्षेशु भारतम कलाकृती सफलम अवर्तत माता अन्न पूर्णाया प्रतिमावर्तन साकम अतर संयोग अयम संयुक्त ये के्य दिने वर्ल्ड हेरिटेज वीक विश्वदाय सप्ताह आमा विश्वदाय सप्ताह संस्कृति नाम कृते पुरातन कालम प्रत्याग तस्य इतिहासस्य च महत्वपूर्ण प्रशस्तम् अवसरम् प्रदा सत्य कोल खंडे सांत वयम् नवाचार प्रकार दाय सप्ताह आयोजयतः जनान् अपश्याम सुबहु संस्कृति भवति। संकट निवारणे चेयर मुख्या भूमिका निर्वहति टेक्नोलॉजी इति प्रविधि माध्यमेनापि संस्कृति ही भावात्मकं पुनः ऊर्जा करोति संप्रति अनेके संग्रहालयाः ग्रंथागाराश्च नैजं संचयं पूर्ण रूपेण डिजिटल इति अंकीयं विधातुं तत्पराः संतः कार्याणि कुर्वन्ति दिल्ल्याम अस्माकं राष्ट्रिय संग्रहालयः एतत् सम्बद्धं सुतरां प्रशंसनीयं प्रयासं अकरोत् राष्ट्रिय्रहाल प्राए दश संख्या वर्चुअल गैलरीज इभासीन अलिंद प्रवर्तयि कार्य निरता अप्यस् आनंददायकम वृत्मद सांत गृह स्थि दिल्ल्या राष्ट्रीय संग्रहालियान अलिंद्रमित सांस्कृतिक सांस्कृति प्रविधि माध्यमेना अधिकतमे व्याजनेभ्या प्राप्तयितुं मुख्यतया सम्लक्षते तत्रैव एतेषां ऋक्तनां संरक्षणस्य कृते प्रविधेः उपयोगः अपि महत्वपूर्णो अस्ति नाति चिरं एकस्य रुचिकायाः योजनायाः विषये पठन आसम् नॉर्वेदेशस्य उत्तरस्यां दिशि स्वालबाड नामकः द्वीपः अस्ति अश्विन आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव उत्तर ध्रुवीय विश्व विश्वाभिलेखागार नामनी योजना विरचिता अस्ति अस्मिन् अभिलेखागारे बहुमूल्यात्मिका रिक्ताधार सामग्री एवं प्रकारेण संरक्षिता अस्ति या नाम काभिश्चिदपि प्राकृतिक आपदाभिः वा मानव निर्मित आपदाभिः नैव प्रभवेत् प्रत्यग्रमेव इयमपि सूचना अधिगता यत् अजंता गुहानाम रिक्तमपि डिजिटाइज इत्यंकीय विधाय अस्याम योजनायाम संयोज्यते अत्र जनता गुहा नाम पूर्णमपि परिदृश्यम अवलोकयितुम शक्षते अस्मिन अंकी कृत पूर्वावस्था प्रापित चित्र सहैव एक सबद्धा अभिलेख पत्र उद्धरण चिन्हा चापी सवेक्ष सखाया महामारी एक अस्मदीयां कार्यशैलीं परिवर्तितवती तरहि अपरतः प्रकृतिं नूतन रीत्या अनुभवितुमपि अवसरं प्रादात् प्रकृतिं अवलोकयितुं प्रवर्तमाना अस्माकीना दृष्टिरपि परिवर्तितास्ति अस्ति सम्प्रति वयं शीतर्तौ तो पदमादध्मः वयं प्रकृतेः पृथक् पृथक् वर्णान् द्रष्टुं शक्ष्यामः विगतेभ्यः कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः अन्तर्जालं चेरी ब्लॉसम चित्यस्य सुबहु संचारिते चित्रे संभरितम विद्यते भवंता विचार यंता स्यूह यदा हम चेरी ब्लॉसम चित्यस्य वृत्तम कथयन तदा जापानस्य प्रसिद्धस्य अस्य अभिज्ञानम वदन नस्मीति परम्च एवम् नास्ति एतानि जापान देशीयानी चित्राणी नैव संति इमानी तु अस्मदीयस्य मेघालयीय शिलोंगस्य चित्राणी वर्तन्ते मेघालयस्य सौंदर्यम चेरी ब्लॉसम्स इत्येतैः नितराम विवर्धितम् सखायाः अस्य मासस्य द्वादश दिनांकाद आरभ्य डॉक्टर सलीम अली महाभागस्य पंचविंशत्युत्तरैकशततमः जयंती समारोहः आरब्धः डॉक्टर सलीमेन पक्षी प्रेक्षण कार्यशु उखनीपलब अधिगता येन अखिल संसार से पक्षी प्रेक्ष का भारत प्रति आकर्षिता हा, जाता हा। अहम सर्वदी प्रेक्षणा अस्मि प्रशंसक अस््यसीम धैर्य कहोरा पर्यत प्रभातादारभ्य साय पक्षी प्रेक्षणे निरता भविमर्हं प्रकृतेच अपूर्व दृश्याना आनंदम अवि प्रसंगे अधिगत ज्ञानम अस्मभ्यमपि प्रयच्छन्ति भारते अनेका पक्षी प्रेक्षण संक्रिया विषय एक प्रदर्शय मम व्यस्त जीवनेगत दिनेशु गुजरात से केवड़िया क्षेत्रे पक्षि साकय यापन से अविस्मरणीय अवसरोधीग तैसा व्यतीत काल प्रकृतिया सोज्य पर्यावरण से कृते प्रेरणास्पदं चापी भविष्यति मम प्रिया हृदेशवासीना भारतीया संस्कृति ही शास्त्राणि च सर्वदेव अखिल संसारे आकर्षण केंद्राणि अवर्तमता नहीं के जनासुतेशा मन्वेशना ये भारते समागता हा अत्रिवचक्रितवासा हा जाता हा अन्य प्रत्यावर्त्य अस्य संस्कृते संभव हका हा अभवन अस्मिन प्रसंगे मया जोनस मसेति महाभागस्य परिचयः प्राप्तः यो विश्वनाथी परपरना ज्ञाते जोनस ब्राजील देशे जानन वेद श्रीमद् भगवद् गीता पाठयति असौ विश्व विदिका संस्था चालयति या डी जिनेरो नगरा होरावधि के अंतराले पेट्रो पोलिख्य पर्वते स्थितास्ती जोनस यांत्रिकायां विषय अध्ययना अंश विपण स्वीय कार्यरत आसद यदा तं संकृति प्रति विशेषत प्रति आकृष्ट विपणी वेद अंशत अध्यात्मं प्रति तस्य सुदीर्घा यात्रा अवर्तत जोनस महोदयन चतुर्वर्ष पर्यत को आर्ष विद्या गुरुकुले वेदीम असौ ही स्वयं सन्देश प्रसारयत प्रवे प्रयोग आचरती नियत रूपेण ऑनलाइन सद्य कार्यक्रम आयोजन पॉड कास्ट की अतर्जा प्रसारण चापी समय विगतेषु सप्त वर्षेशोनस महोदय सीयानाशुल्क मुक्त कक्षाण मध्यमेन साधेकक्ष जानदात अध्यातवाोनस न कवृक् महत् करोति अपितु एतादिष्याम भाषायाम करोति यस्याः अभिज्ञानां संख्या प्रभुता विद्यते जनेश्वपितस्य कार्यं प्रति अतिशया रुचि रस्ति यत कोरोना पृथक् वासादीनां चाश्विन कालखंडे वेदांतः कथं तेषां उद्धारकः भवितुम अर्हति इति मनोजतमित्यस्य माध्यमेनाहं जोनस महोदयस्य तस्य प्रियासानाम च कृते वर्धापनं व्याहरामि युगपदेव तस्य तावी प्रसंगा कृते स्वीया शुभ कामना सखाया प्रत्यपि अकमता अवधानम् आकर्षणीयम् अस्ति न्यूजीलैंड देशे नवनिर्वाचित सांसदेन डॉक्टर गौरव शर्मण विश्वस्य प्राचीन सुभाषासु भाषासु अतमया संस्कृत भाषया शपथ ग्रहणम् आचर भारतीय अस्कं संस्कृते प्रसार अस्मा गर्वे आपूरयति मनोगतम अहम गौरव शर्म महाभागाय शुभ कामना व्याहरा वयं कामयामहे यद हि न्यूजीलैंड वासीना सेवा प्रसंग नूतनोपलब्छत मम प्रिय देशवासीन శో నవంబర త్రిన్శత్త అహని వయమ్ శ్రీ గురు నానక దచాశదర పంచశతమం ప్రకాశ పర్వ మానయ్యా అఖిలే విశ్వే శ్రీ గురున దావ స్పష్టత అనుభూయత వెంకూవర్ తేలింగ్టనం సిర సాఫ్రీకా అనుగుంజన్ గురు గ్రంథ సాహిబే కథితమస్ సేవ కో సేవా బన ఆయీ अर्थात सेवकस्य कार्य सेवा योजना अस्त विगतेषु वर्षेषु नैक सेवकरूपेण सेवक अस्माभिः सेवा संपादनस्य अवसराः अधिगताः गुरुवर्येण अपि अस्माकं सेवाः सौपचारिकं स्वीकृताः गुरुनानकदेवस्य पञ्चाशदुत्तर पञ्चशत तमं प्रकाश पर्व श्री गुरु गोविंद सिंह से त्रिशततमं त्रिशतम प्रकाश पर्व आगामि वर्षे श्री गुरु तेग बहादुर से चत तमं प्रकाश पर्व चाप्यस्ती अहम अमी युब मई विशेष कृपा अवर्तत यम सर्वे सभी कार्य समायोजितोस्मि सजिस् अभी भवंत जानती ये कच्छ क्षेत्र एकम गुरुद्वार वर्तते यस्य नाम लखपत गुरुद्वारा साहिब इत्यस्ति श्री गुरु नानक देव स्वीए उदासी काले तत्रागत आसी एकोत्तर द्विसहस तमे वर्षे भूकंपेन एक गुरुद्वार क्षतिग्रस्त जात एशा ही गुरु साहिब कृपा एव आसीद यदम एक जीर्णोद्धारम कर्तम न कवम जीर्णोद्धारू गौरव स्थपनमें सफलतया सुनश्चीतीकृत युब पादा प्रभुताशीर्वादाधिगतव लखपत् गुरुद्वार संरक्षण प्रयास चतुरधिक द्विसहस्रतमे यूनेस्को एशिया प्रशांत रिक्त पुरस्कार विशिष्ट प्रशस्या सभाजिता पुरस्कार प्रदायक निर्णायक मंडल जीर्णोद्धार प्रसंगे गुरुद्वार शिल्प विधा सूक्ष्म सबेषं प्रशंसी निर्णायक मंडलम अभीवत यदुरुद्वार पुनर्निर्माणे सिख सबुद सक्रिय योगदान अभी तो मग दर्शनम लखपत पदपत गुरुद्वार दर्शन सौभाग्यम मैया अगतम यदम मुख्यमंत्री तत्र गत्वा हम असीमोर्जाम अवाप्तवान अस्विन गुरुद्वारे गत्वा सर्वे पी आत्मानम धन्यम अनुभवन्ति अहम् गुरुपादानाम अतीव कृतज्ञ यत्तैरहम सततम सेवा अवसरे सभाजितोस्मि विगत नवंबरे कर्तारपुर साहिब संपर्क मार्गस्य आरंभ ऐतिहासिक अवसर अवर्तत एतत संदर्भ महम आजीवनम स्वीय संधारयिष्यामि दमस्क सौभाग्यम यदस्मा दरबार साहिब से सवसर पुनः अधिगता। विदेशवासी सिख भ्रातृ भगिनी संप्रति दरबार साहिब सेवा राशि प्रेषण सरलतरम संजास्ती पदेन अखिल विश्व सिख संगतम दरबार साहिब सेकटतरम समागतम्। सखाया अयम गुरु नानक देवा आसित येन लंगर अर्थात सह भोज परंपरा आरब्धासीत अधुना अस्मा दृष्टम अखिल संसारे सिख समुदायेन, काले जनेभ्य भोजना बंटन सेंपरा सन्धारितावता सेवा अस्मत्ते सततम प्रेरणास्पदम अस्ती अहम कामए यदय सर्वे रूपेण सीय कार्यु निरता भवेम गुरु साहिब व्या मदीया देशवासीना चेवाक मम पक्षत गुरु नानक जयंती अवसरे सह शुभ कामना मम प्रिया देशवासी विगत दिन मया देश से अनेक विश्वविद्यालय छात्रे साकम संवादन शिक्षा यात्राया या महत्वाधा प्रसंग सहभाग से अवसर प्रधि मध्यमेन मैं आई आई टी गुवाहाटी आई आई टी दिल्ली दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय गांधीनगरम जेएनयू जे एन यू दिल्ली मैसूर विश्वविद्यालय लखनऊ विश्ववि संभाषित देश से युवजन साकम संवाद अतीव तृप्तिकर्जा प्रदायकस विश्ववद्यालय परिसरा तो एकतवेन लघु भारत रूपा एव एतेषु परिसरेषु भारतस्य वैविध्यम दृष्टिगोचरं भवति अन्यतस् छात्रभारते महतपरिवर्तनानां उत्कंठापि परिलक्षते कोरोनातः पूर्वं यदा हम कस्मिचितं संस्थाने प्रत्यक्षतः अगच्छम तदा निकटवर्ती विद्यालयानाम निर्धन विद्यार्थिनोपि साग्रहं तत्र आमन्त्रिताः तेही समारोहषु मम विशेषा तिथि रूपेण सहभागिना भवन्ति स्म कोपि अल्पवयस्कः बालः यदा भव्य समारोहे कञ्चद्यवानं चिकित्सकाभियांत्रिक वैज्ञानिक रूपेण वा उपाधिं पुरस्कारं वा स्वीकृतवन्तं पश्यति तदा तस्मिन् अपि स्वप्नः समुद्भवति आत्मविश्वासः च जागर्ति यदाहमपि एतत् कर्तुं पारयामि एतेनेव संकल्पाय सखाया एक अहम अहमद ज्ञात उत्सुक भवामी ये संस्थान से पूर्व विद्या कस् संस्था पूर्व छात्रे निरम संपर्क सन्धारण से व्यवस्था वर्त तत्थान पूर्व छात्र मंडलम सक्रिय अस्था मखायावत्थने पठंसी तवदे तस्थिन परम पूर्व छात्र रूपेण तेन साक संबंध आजीवन प्रवर्तते विद्यालयाद अथवा महाविद्यालयाद निर्गमनानंतरमपि तत्रत्यायाः शिक्षायाः प्रभावः संस्थानं प्रति च आकर्षणम् आजीवनं संप्रवर्तते पूर्व छात्राः यदापि परस्परं संभाषन्ते तदा तेषां स्मृतौ पुस्तकेभ्यः अध्ययनेभ्यश्चाधिकतरः परिसरेषु व्यतीतः कालः

पूर्व छात्र सीय संस्थाभ्य अकमद अद्ये पूर्व छात्र विषय अतीव सक्रिया सी आई आई टी संस्था पूर्व छात्र संस्थाने सलन कक्ष प्रबंधन केन्द्र शोध संवर्धन केन्द्र रूपेण अमूल्योपहारा सर्ता स एते प्रयासाह तत्रत्यानाम विद्यार्थिनाम अध्ययनानुभवानाम संवर्धनम कुर्वन्ति आईआईटी दिल्ली संस्थानेन एकः अनुदान कोषः स्थापितः यो हि एकः उत्कृष्ट विचारः अस्ति विश्वस्य विख्यातेषु विश्वविद्यालयेषु एतादृशानां कोषाणां परम्परा दृश्यते येन विद्यार्थिनां साहाय्यं सम्पाद्यते अहम अनुभवामि यत् भारतस्य विश्वविद्यालयाः अपि अस् पर अनुपालने समर्था सी यदा प्रतिदान से प्रसंग तदा कि उत्कृष्ट निकृष्ट वा नवहाय्यम महत्व धारयती प्रत्येक प्रयास श्लाघनीय पूर्व छात्रा सीय संस्था प्राविधिकोन्नयने न निर्माणे पुरस्कार छात्र स्थापने कौशल विकास पाठ्यक्रमा विससे महत्वाधा सहयोग निर्वह पूर्व छात्र पूात्र सदस्यता कार्यक्रमा आरब्ध येषु भिन्न सत्रण विद्याथिना मगदर्शनम संपाद्यक्रमु शिक्षाया प्रशा आलक्ष्य चर्चा क्रिय अनेकेशा विद्यालत आवासीय संस्था पूर्व छात्र संघटना अतीव सुदृढ़ा सके तैयन क्रीड़ा महोत्सवा समुदाय सेवायाच कार्यक्रम आयोजन क्रिय अहम् अहम पूर्व छात्रा आह्वान कर्त स्वीयाधीत संस्थान साकम दृढ़बद्धा भवु के चेद विद्याल भवेयु महा विद्याल वा विद्याल अहम संस्थाभ्य अभी आग्रह कोमी ये अभी स्वीय पूर्व छात्र संपर्क सन्धारण से नूतनापारण आश्रय अगछं पूर्व छात्रा सक्रिय सहभागम सुनिश्चे रचनात्मक पटलाना विस न कव प्रमुख महाव्याल अथवा विश्व अपितु ग्रामीण विद्यालम अपि सुदृढ़ा सक्रिया च पूर्व छात्र स्थापनीयः मम प्रिया देशवासीन डिसेमर मस से पंचम दिनेरविंद वर्य पुण्यतिथि भविष्य तेन लिखित साहित्यं यठा तवतीम गहनता मम युव सखाया अरविंद यावत् यावत तावदेव आत्मान ज्ञास्यंती समृद्धि प्राप्त च जीवने यस्याम भावावस्थायाम भवंत संति यान संकल्पान् साधय तुम प्रयासरता वर्तंते तस्मिन पथि भवंत और बिंदो वर्य तेन प्रदर्शित नव मार्गम यथा अद्य लोकल के लिए वोकल वोकलियानम स्वीकृत अग्रेसरा भवाह खलु और वर्य स्वदेश दर्शनम प्रशस्ति करोति। बांग्ला भाषायां एक प्रभावूर्णा कविता अस्ती छुई शुतो पॉय मौनो आशे तुंग होते दीय शोलाय काठी ताऊ आशे पोते प्रदीप्ति जाली खेते शुते जेते किछुते लोकनाय शाधीन अर्थात अस्माकम् पाश्वे शलाका अग्निपेटिका सद्दिशानी वस्तुनि अपि विदेश नौकया आयामती भोक्तुम पातुम शेतुम अथाच अन्यत किमपेक्षर तुम लोका हा स्वतंत्रा हा नै वसमती तस्य कथनम् आसित स्वदेशीत्यस्य अर्थावर्तते यत् भारतीय कार्मिकैः ही निर्मिते वरीयता प्रदानम् एतदपि नास्ति यत् श्री औरबिंद विदेशतः किमपि पठितुं ज्ञातुं वा निषेधः कृतः यतः यत् नवीनं योग्यं च येन अस्माकं देशे वरं भवेत् तस्य वयं सहयोगं करवाम प्रोत्साहनं च करवाम एषा हि किल आत्मनिर्भर भारताभियानस्य वोकल फॉर लोकल इत्यस्य च मंत्रस्य भावना अस्ति विशिष्य स्वदेश अवलम्ब्य अरविंद वर्ेण यद्येक देशवासीना पठनीय सह के स्मा शिक्षा केवल पुस्तक ज्ञानम यधि अथवा वृत्ति यंगीक स्म श्री अरबिंदो कथयति स्म यदस्माक राष्ट्रीय शिक्षा यूना मृन्मस्तिष्क पिष्कारात्मका प्रशिक्षण सैत् यस्ति वैज्ञानिक विस भ हृत्सु भारतीय भावना अभी सन्त तदाव्य प्रकृष्ट नागरिक भवतम अर्हतिरिंदो महोदयन राष्ट्रीय शिक्षा विषयकम य चिंतनमा चपेक्षा कृता आसत अदेश तमे विचार नूतनया राष्ट्रीय शिक्षा नीतिया पीपूर्णम कर्त प्रभव मम प्रिया देशवासीन भारत कृषि तत्सब्दस्तु सह नूतन प्रकल्प योज्य मना विगतेषु दिन जात कृषि पिष्कार कृषकभ्यूतन द्वारा उद्घाटिता सके आबहो कालाषकाणेक्षा आवश्यकता चूरय विभिन्न राजनीति आश्वासना दत्ता पूर्ति गुह्य विमर्शान भारत से संसद कृषि संबद्ध पिष्कारा विधिवे उद्घोषिता ऐतिही ही परिश्कारे न केवलम कुशकानाम नई क बंधनानी समाप्तानी अपितु नूतन अधिकारा नवावसरा हा चापि प्राप्ता हा लब्धा अधिकारे समये कुशका समस्या नाम निराकरणम आरब्दम महाराष्ट्रस्या धुले जनपदस्थे कुशका हा जितेंद्र भोई वरिया हा नव विधेय प्रयोगम कथम कृतवानीति नूनम नात जितेन्द्र भोई इत्यनेन मक्का इति मकायस्य उत्पादनं कृत्वा उचितं मूल्यं द्वात्रंशदधिकत्रिलक्ष रुप्यकमितं निश्चितं जातम् जितेन्द्रवर्यः पञ्चविंशति सहस्रात्मिकाम् अग्रिमराशिम अपि प्राप्तवान् निश्चितमासिद्यद अवशिष्टं धनं पञ्चदशदिवसेषु प्रदास्यते परमनन्तरं स्थिति एवं जाता यदवशिष्टं धनं न प्राप्तम् कृषकाः धान्यं क्रीणन्ति मासान यावत् धनम न यच्छन्ति संभवतः मकाय कृतारः वर्षेभ्य एनामेव परम्पराम् अनुस्रियमानाः आसन एवम् श्री जितेंद्राय अपि चतुर्मासं यावत् न प्रदत्तम् अस्याम स्थितौ सप्टेंबर मासे विनिर्मित विधिः तस्य सहायतां अकरोत् अनेन विद्यानुसारं धान्यक्रयणस्य अनन्तरं दिनत्रयेव पूर्णं धनं कृशकाय दातव्यं भवति यदि धनम न दत्तम कृषका ह अभियोगम कर तुम शक्नोति विदेहे इतोपि पिउत्तमा ह विषया ह आगता ह यत् एसडीएम इति उपाखण्डा अधिकारीना एक मासा व्यंतरम् एव प्रार्थिना समस्या याहा अभियोगस्य वासमाधानम् करनीयं भवति इदाने मेताद्रिशा ह विधाया ह संति शक्ताया ह च संति अस्माकम् कृषकाना� अभियोगानंतरं कतिपयेषु एव दिनेषु एषा पूर्णं धनं प्राप्तवान् अर्थात विधे सम्यक् पूर्ण सूचना च जितेन्द्र महोदयस्य शक्ति रूपेण संवृत्ता क्षेत्रं किमपि स्यात् भ्रमेभ्यः विपरीतं सम्यक् ज्ञानमेव मनुष्यस्य शक्तिः भवति कृषकेषु एवमेव जागरुकता संवर्धनार्थं कार्य कुरस्टे राजस्थान से बारा जनपद निवासी मोहम्मद असलम वर्य एक कृषकोत्दक संघ से मुख्य कार्य कार्यधिकारी अस्ट आम सम्यक्रुतम कृषकोत्दक संघ से सीई मुख्य कार्य से आशासे यृत् समवायाना मुख्य कार्य कार्यिण एतत् श्रुत्वा प्रसन्नाः भविष्यन्ति यत् दूरस्थेषु क्षेत्रेषु कृषक संघटनेषु अपि मुख्य कार्यकारी वर्तन्ते तर्हि सखायः मोहम्मद असलम वर्येण स्वक्षेत्रस्य नैकेषां कृषकाणाम् एकः व्हाट्सअप समूहः विरचितः अस्ू एक मंडी धान्य विक्रय केाण मूल्यादि सूचना स्थापय स्वयं कृषकोत्दक संघटनम कृषके कृषकेभ्य धीना एक प्रयास कृषका निर्णय स्वीकरण सहायता प्राप्व सखाया जागरूकता अस्सी तरी जीवंतता वर्त जागरूकतया सहस्र जीवनम प्रभाविता एकष्युद्यमी अस्त वीरेन्द्र यादव वीरेन्द्र यादव पूर्व ऑस्ट्रेलिया देशे वसतिस्मा। एव वसती स्म वर्ष दयाय सह भारत आगता सम्प्रति हरियाणा राज्ये कपीषे निवसती अने सदृश क्षेत्र पराली अवशिष सस् भाग से समस्या असत असी व्यापक यपक कार्या प्रचल अद्य मनोगते अहम वीरेन्द्र महोदय सेशिष्ट रूपे उल्लेख कुर यवपथ प्रदर्शय पराली पदार्सान कर्तम वीरेन्द्र महोदयन पुआल स्ट्रॉ बेलर् नामधेय ग्रंथि निर्मात यंत्र क्रीत एकदम कृषि विभागा आर्थिकी सहायता अनेण पराल गुच्छा निर्माण आरब्ध गुच्छ निर्माणानरम तेन परालती पदार्थ एग्रो एनर्जी प्लांट पेपर मिल चेती उभाभ्या प्रेशिता भवंता इदं ज्ञात्वा आश्चर्या भविष्य ये वीरेन्द्र महोदय वर्षद्वये एव पराल द्वारा साधेकोटि मुद्रात्मक व्यापार कृता तत्र पंचाश्लू लाभ अर्जि एक लाभ कृषकभ्य अवत्षा क्षेत्रे वीरेन्द्र महोदय परालि पदार्थ स्वीक वयम अवकमति विषयन तो शुतव स्याम परं परालि विक्रीय धन से पुण्य चर्जन से उत्कृष्ट उदाह नव युवा विशिष्य कृषि विषय से अध्येता अनति चीरम जाता नाम कृषि परिष्काराण विषये सर्वान जागरूकान कुरंतु एवं कृत्वा भवंत देशे जायमानेशु विविध परिणाम सहभागिता निर्वक्ष मम प्रिया देशवासीन मनोगते वयम भिन्न भिन्न विषय संवाद कूर्म परमेतादी अभी एक वर्ता वर्ष पूर्व जाता यां वयम प्रसन्नतया स्मर्त नाव इच्छा प्राय एक वर्ष विश्वस्मिन विश्वे प्रथम कोरोना संक्रमण विषय ज्ञानम अभवत तदारभ्य नैके आरोहावरोहा दृष्टिंगता जन संचलन रोध काला बहि संप्रति विषयी चर्चा आरब्धा परम कोरोना अधिकृत अनवधानम अद्या घातकम अस्त अस्मा कोरोना विरुद्धम युद्धम तो सजव प्रवर्तनीय सखाया कचि दिनामे डिसेंबर मसे षे दिने बाबा साहब अंबेडकर पुण्यतिथिर वर्त है अस्मिन् दिने बाबा साहब वर्याय श्रद्धांजलि प्रदान साकमे संविधान अनुसारम नागरिक देश प्रति स्वीय संकल्प निज कर्तव्या निर्वाहय यण अस्मभ्यम प्रदत्त तस्त पुनरावृत्ते अयम शुभावसर अस्त देश से शीतरतो प्रभावः अपि विवर्धते अनेकेषु स्थानेषु हिमपातः एधते अस्मिन् ऋतो कुटुंबस्य बालानां वरिष्ठानां रुगुणानां च सदस्यानां कृते अस्माभिः विशेषावधानं संधारणीयम् स्वयं अपि अवधानता व्यवहारणीयः अहम् प्रसीदामि यदाहं पश्यामि यजनाः स्वपरिपाश्ववर्तिनाम अपेक्षावतां च विषयेपि चिन्तां उर्नावस्त्रानिदत्पाते शाम सहयम आचरमति निसहायानाम पशुनाम कृतेपि शितर तुहतितराम काठिन्यम आपादयति तेशाम सहयार्थम अपि अनेके जनाह प्रयतमति अस्मदियायुवसंतते ही इताद्रिकार्येशु सोत्साहम सुबहुचा सक्रिया भवति सखाया आगामी निक्रमे यदावयम मनोगतम कार्यक्रमे मिलिशामह तदा विंशति विंशति इति वर्षम समाप्त प्रायम भविता नवीना भी आशा भी अभिनवेन च विश्वासेन साकम वयम अग्रे सरिष्याम अधुना ये पि परामर्शा भवेयु विचारा वा सन्तु नूनम तान मया साकम संविभाजयन्तः भवद्भ्या भवद्भ्यः सर्वेभ्यः भूयस्य शुभकामनाः